अब बात करेंगे चंदौली के, जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में चार्जशीट दाखिल, सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की है 2000 पन्ने की चार्जशीट। तो बड़ी खबर, पॉक्सो एक्ट में चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। दो युवक चंदौली, एक बांदा और दूसरा पटना का निवासी है, जहां बच्चों के यौन शोषण का ये पूरा मामला है। और ऐसे में पोर्नोग्राफी मामले को लेकर कोर्ट लगातार कई तरह के कदम उठाता हुआ नजर आया, कई कानून यहां पर बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले थम नहीं रहे। और ऐसे में पॉक्सो एक्ट में चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट अब दाखिल कर दी गई है। दो युवक चंदौली, एक बांदा और दूसरा पटना का बताया जा रहा है, जहां बच्चों के यौन शोषण का ये पूरा मामला है। बच्चों से यौन शोषण यहां पर किया जाता था, जिसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई है। तो बड़ी खबर, जहां चंदौली में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की है 2000 पन्ने की चार्जशीट। बच्चों के यौन शोषण का ये पूरा मामला, पॉक्सो एक्ट में चार लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उनमें से दो युवक चंदौली के, एक बांदा का और दूसरा आपको बता दें कि पटना का निवासी बताया जा रहा है। लंबे समय से बच्चों के यौन शोषण यहाँ पर किया जाता था बच्चों का, जिसके बाद अब एक चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। और फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ कार्तिकेय पांडे जुड़ गए हैं। कार्तिकेय, दो युवक चंदौली, एक बांदा और दूसरा पटना का बताया जा रहा है बच्चों के यौन शोषण मामले में, और ऐसे में अब याचिका भी दाखिल कर दी गई है, तो किस तरह की चीजें यहां पर सामने आ रही है? जी आपको बता दें, कल चंदौली में जो सीबीआई की टीम थी वह आई और चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले को लेकर के चंदौली के कोर्ट में उन्होंने 2000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है और पॉक्सो एक्ट में चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ये जो चार्जशीट है वो दाखिल की गई है। और ये जो पूरा मामला है चंदौली के, ये दो लोग बताए गए हैं, अजय कुमार गुप्ता और अविनाश कुमार सिंह। ये जो है छोटे छोटे बच्चों को, लगभग 6 से 10-12 साल तक के बच्चों का यौन शोषण करके उनकी फिल्में बना करके और उनकी फोटो खींच करके ऊंचे दामों पर बाहर में बिक्री करते थे और बच्चों को डरा धमका करके ये ऐसा काम करते थे, जिसके बाद किसी द्वारा ये जो है सीबीआई को ये पत्र के माध्यम से बताया गया, जिस पर कि सीबीआई ने जांच पड़ताल शुरू किया। अब आगे इस पूरे मामले पर कार्रवाई को किस तरह से आगे यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बच्चों के यौन शोषण का मामला बेशक से है और लंबे समय से इस तरह के यौन शोषण के मामले हम लगातार देख रहे हैं कि किसी भी तरह से रोकथाम हो नहीं पा रही है, चाहे प्रदेश की बात करें या देश भर की। जी, तो जिस तरीके से जो ये सीबीआई की टीम आई थी और 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, अब इसके बाद कोर्ट इसमें क्या कार्रवाई करेगा, कितने लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई होगी, अभी आगे कितने लोग पकड़े जाएंगे और आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि फिलहाल जिन चार लोगों के यहाँ पर नाम सामने आ रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या पुलिस की गिरफ्त में है या किस तरह से पुलिस प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है पूरे मामले को लेकर सामने आई? जी, अभी ये जो चार लोगों के खिलाफ कोर्ट में जो है ये दाखिल किए गए हैं चार्जशीट, लेकिन अभी तक ये जो चारों लोग हैं इनमें से सभी लोग मतलब अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। चंदौली के जो लोग हैं ये दोनों पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, पुलिस इनको कब गिरफ्तार करती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जनतंत्र टीवी के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जनतंत्र टीवी। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।